मानवता हुई शर्मसार, दुष्कर्म पीड़िता के अस्पताल में 12 दिन बाद हुई मौत। देवर ने किया था दुष्कर्म, परिजनों का आरोप, मामला वापस नहीं लिया गया, इसलिए दिया जो है। अलवर में एक दुष्कर्म पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आ रहा है। 24 जुलाई को महिला के देवर ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद महिला की विषाक्त खाने का मामला सामने आया है। इस पर इलाज के लिए महिला को 28 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग दुष्कर्म की शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। शिकायत वापस नहीं लेने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को जहर दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को हुई देवर ने भाभी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। ससुराल पक्ष के लोग मामले में शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़िता के उसके पति ने शिकायत वापस नहीं ली। इसी बीच 27 जुलाई को महिला द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया। महिला को इलाज के लिए अलवर की राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे महिला के भाई ने कहा कि ससुराल पक्ष ने लोगों ने मामला वापस नहीं लेने पर जहर दिया था, इसलिए उसकी बहन की मौत हुई है। क्या मामला है ये? मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और ये रेप का मामला है। एक तो और एक इसमें जहर दिया गया है मेरी दीदी को। कब की घटना है ये? रेप की घटना तो है 24 तारीख की, और उसकी घटना जहर देने की है 28 तारीख की। किसने दिया था जहर? जहर दिया था इन्होंने जमशेद ने, उनकी माँ ने, उनका एक चाचा रुद्दार, दूसरा चाचा है धौड़ा, और उनका एक भाई है इकबाल, और उनका दादा, उन्होंने जहर दिया था। 12 दिन बाद मौत हुई है। हाँ, और उनका उसका बड़ा भाई है जो उसकी पूरी साजिश थी उसमें, लेकिन वो मौके पर नहीं था। दुष्कर्म किसने किया था? दुष्कर्म तारीफ ने किया था, देवर ने। हाँ साहब। तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर उन्होंने उनको उसके मतलब राजीनामा का वो करके कि राजीनामा करो वरना तुम्हें मारेंगे, तो फिर उन्होंने जहर पिला दिया जब राजीनामा नहीं करा था। अभी कब मौत हुई है? अभी ये सुबह हुई है हाल में। कितने बच्चे हैं इनके? इनके एक बच्चा है 2.5 साल का। कितने साल हो गए शादी को? शादी को जी 2019 में करी थी शादी। क्या नाम था मृतका का? मृतका का नाम माफिया था।